हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामले। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिटी। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज सीखने वाले हैं, जो हमारी किस टाइप की रहेगी। तो फ्रंट साइड से हमारा नेक पैक रहेगा, बैक साइड से हमें पूरा दोरी दोरी लगानी है। इस टाइप की हमारी ब्लाउज रहेगी, इसको आप नवरात्रि ब्लाउज भी बोल सकते हो। और हमें इसमें फुल स्लीव्स लगाएंगे, तो प्रिंसेस कट हम ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है, अस्तर मैंने 1.5 मीटर लिया है, क्योंकि मुझे स्लीव्स पे भी अस्तर लगाना है। इसके लिए कॉटन का मैंने अस्तर ले लिया है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी मैंने 1.5 मीटर ले लिया है। अगर आपकी हैवी साइज रहेगी, 42 इंच 45 इंच रहेगी, तो आपको 2 इंच ले लेना है, लाइनिंग का कपड़ा भी और मेन फैब्रिक भी। ओके, तो सबसे पहले हमें इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जिस भी नाप से हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, उसका मेजरमेंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेजरमेंट देख लेना। ओके, अभी जो भी मैं नाप यहाँ पे बताऊंगी, आप कोई भी साइज का, 42 से अप रहेगी, कोई भी साइज रहेगी, आप कोई भी साइज का आप इसी तरीके से ब्लाउज बना सकते हो। जिस तरीके की मेरी फिटिंग परफेक्ट रहती है, उसी तरीके की आपके भी फिटिंग एकदम परफेक्ट रहने वाली है। क्लियर हो गया? प्रिंसेस कट हम दो तरीके से सीखा है, तो यहाँ पे मैं जो हमने पहले सीखा है उस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि इसमें हमें कोई भी फर्मा कट करने की जरूरत ना पड़े। तो डायरेक्ट हम मेन फैब्रिक है, मेन अस्तर का जो कपड़ा है ना, उसी पे हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब ड्राफ्टिंग करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी ब्लाउज किस टाइप की रहने वाली है। तो यहाँ पे हम फ्रंट का पहले ड्रॉ करेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड की रहेगी। फ्रंट में हमारा कैसे रहेगा, तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा नेक, जो हमारा डीप नेक नहीं रहेगा, साइड फिटिंग वाला लाइन, फिर स्लीव्स हमारी फुल स्लीव्स रहने वाली है। ओके, अभी हम यहाँ से प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो फ्रंट हो गया, और ये हो गया हमारा बैक साइड का। बैक साइड पे हम ये शोल्डर हो गया, ये हमारा दोरी का पार्ट रहेगा, ये दूसरी साइड का शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल, इस फुल स्लीव्स, और बैक साइड से हमें पूरे दोरी लगानी है। ओके, तो इस तरीके का हमारा ब्लाउज रहने वाला है, फ्रंट का और बैक साइड का। ब्लाउज कैसा हो गया वो पता चल गया। अब आपको देख लेना है कि ये डीप ब्लाउज है कि पैक ब्लाउज है। तो यहाँ पे आपको ये ड्राइंग देख के क्या लग रहा है, फ्रंट का तो डीप नेक है। ओके, तो फ्रंट हो गया, सॉरी, फ्रंट का हमारा पैक है, और बैक साइड का आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे कोई भी बेल्ट नहीं है, बट दोरी कहाँ से, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपकी दोरी सिर्फ नीचे तक रहती, ये पूरा ओपन रहता ना, तो आपको इसको डीप में गिनना पड़ता, बट दोरी तो हमारी डायरेक्ट यहीं से है। ओके, ऊपर ओपन कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हमें पैक में ही गिनना रहेगा। ओके, तो जो भी हमारी ब्लाउज रहेगी ना, वो हमारी पैक ब्लाउज रहेगी। ओके, तो सब कुछ जो भी प्रोसेस करनी है, वो सब कुछ हमें पैक ब्लाउज के हिसाब से करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? आपको जो भी ब्लाउज बनानी रहेगी, वो हम आपकी ब्लाउज पैक में जाएगी, डीप में जाएगी, वो आपको पहले से डिसाइड कर देना है। तो ये दोनों नेक हमारा पैक में जाएगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अस्तर ले लिया है ना, उसको मैंने एक बार फोल्ड कर दिया है। देखो, इस तरीके से मैंने इसको एक बार फोल्ड कर दिया है। ये पूरी इसकी फोल्ड साइड रहेगी, कि एक साइड आपकी फोल्ड रहने वाली है। इसको मैं बोलूंगी ऑन फोल्ड साइड। तो जब भी मैं ऑन फोल्ड बोलूंगी ना, तो मतलब आपको यह समझ लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको सेम मैं जैसा बता रही हूं वैसे आपको फॉलो कर दे जाना है, मेजरमेंट सिर्फ आपको अपना डालना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो अभी हम भले बैक पार्ट बना रहे हैं, बट लेंथ आपको जितनी भी आपको फ्रंट की लेंथ रहेगी ना, उसके हिसाब से ही मार्किंग करनी है। फ्रंट की लेंथ हमारी 14 इंच की है, आपकी जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्किंग हम दोनों साइड पे करेंगे, ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आए। आपकी फ्रंट की
फ्रंट का जो लेंथ रहेगी ना 17 इंच आ रही होगी तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आपको उसमें 1 इंच प्लस करना है। मतलब कि जितने भी आपकी फ्रंट की लेंथ आ रही होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना कंपलसरी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इतना क्लियर हो गया। अब फुल शोल्डर हमारा जितना भी है उसमें आपको डिवाइड 2 कर लेना है, तो 6.75 इंच आएगा। ऑन फोल्ड साइड से मैं 6.75 इंच पे इंची टेप को रखूंगी, यहाँ पे मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। अभी जितना भी मैंने बताया वो मैंने फटाफट क्यों बताया, क्योंकि ये सब कुछ फिक्स रहेगा। आपका मेजरमेंट कोई भी रहेगा, आपको शोल्डर का जितना भी रहेगा डिवाइड 2 करना है, फिर यहाँ पे मार्क करना है, 1 इंच डाउन जाना है, 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सब कुछ फिक्स है, सिर्फ आपका ये मार्क अलग आएगा साइज के हिसाब से। फिर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, इतना कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमें आर्म होल बनाना है। यहाँ से चेस्ट लाइन कौन सी लेनी है वो तो देखना पड़ेगा ना, उसके लिए हमारे पास ये वाला चार्ट है। तो हमारी ब्लाउज कैसी है, दोनों नेक पैक है, तो आपको पैक वाला सूत्र यूज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी साइज के हिसाब से आपको सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा पैक का। पैक में ये वाली लाइन देखनी है, ये पैक लिखा है। ओके, डीप और पैक, डीप मतलब क्या, दोनों नेक डीप रहेगा तभी उसको डीप में गिनना है, बाकी कोई भी ब्लाउज रहेगी उसको पैक में ही गिनना है। तो हमारा सूत्र क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, आप 1.75 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो चेस्ट हमारी 30 इंच की, 30 डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच, हमें आंसर आएगा 6.5 इंच। साइज के हिसाब से आपको सूत्र जो इसमें से आएगा वो सूत्र यूज करना है, उसको कैल्सियम में करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे हमारा आंसर आया 6.5 इंच। 1 इंच यहाँ से डाउन गए हैं, वहां से हम इंची टैप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम इंची टैप को रख देना है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया, फिर यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जब भी हम पैक ब्लाउज बनाते हैं तब हमें इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। कितने इंच की, 2.5 इंच की हम लूजिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है। 30 उसमें हम प्लस 2.5 इंच करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड हमें 4 कर देना है, तो हमें मिलेगा 8.1 इंच। 8.1 इंच मिलेगा। यहाँ पे 8.1 इंच पे मार्क कर दिया, सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। आपको भी सबको 2.5 इंच ही लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपकी साइज कम रहेगी तो आपको लगता है कि मुझे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मुझे इनफ हो जाएगा, तब आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी रहेगी। ओके, तो यहाँ में मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दी। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट में हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। तो वेस्ट हमारी 24 इंच की है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे, फिर सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब भी हमारा पैक नेक रहता है तब हमें कैसा आर्म होल ड्रॉ करता है वो अभी आप देख लो। तो यहाँ से पहले तो हमें इसका सेंटर निकालना है, इस तरीके से इंची टैप को फोल्ड करेंगे तब इसका सेंटर हमें अपने आप मिल जाएगा। सेंटर ले लिया। अब यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75। इसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है, तो 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 6.75 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया, तो अभी इसमें से आपको सिर्फ हाफ इंच ही माइनस करना है, तो 6.25 इंच आएगा, वो मार्किंग आपको यहाँ पे करनी है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पहले इसका सेंटर लेके मार्क कर देना है, फिर यहाँ पे आपने साइज के हिसाब से जितना भी मार्क किया रहेगा उतना आपको उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर से यहाँ पे जितना भी आया उसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर देना है। ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर मार्क करना है, वो आपका कंपलसरी रहेगा, आप सबको हाफ इंच ही बाहर मार्क करना है। अब ये जो हमने हाफ इंच बाहर मार्क किया इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें कितने इंच पे मार्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है।
क्रॉस मार्क कितने इंच पे करना है, तो यहाँ पे आपका साइज के हिसाब से जो भी आंसर आएगा उसमें आपको 0.25 प्लस करना है। साइज के हिसाब से हमारा 0.75 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें बैक साइड जब भी आप मार्क कर रहे होंगे तब आपको 0.25 इंच प्लस कर देना है। अब ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जो भी हमारा सेंटर है और जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखो पहले मैंने इस तरीके के बताया था कि पहले मैं इसमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करती थी, फिर हाफ इंच अंदर जाके बैक का आर्म होल ड्रॉ करती थी, तो दोनों आर्म होल यहाँ पे हो जाता था तो आपको कन्फ्यूजन होता था, तो इसमें मैंने डायरेक्ट बैक आर्म होल ही ड्रॉ किया जो हमने पिंक चौक से मार्क किया है वो। ओके ओके, अभी हम यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन बनाऊंगी, क्योंकि इतना हाफ इंच इतना हमारा ये सिलाई में जाने वाला है। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी, तो रेडी शोल्डर हमारा 3.5 इंच का है, तो 1 इंच हमें प्लस करना है, तो 4.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, 4.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी, देखो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमें इसकी विड्थ मिल जाएगी, ये विड्थ हमें कितने इंच की मिल रही है, तो 2.5 इंच में एक लाइन कम, तो 2.5 इंच में एक लाइन कम सेम यहाँ पे मार्क करेंगे, बट हमें पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर देना पड़ेगा, बाद में उसको रख के यहाँ पे जो भी माइनस करेंगे वो सब कुछ करने के बाद अभी इसके आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो हम करेंगे। ओके, तो इसके नीचे से ही हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसा भी हमने बैक पार्ट में किया ना सेम ही करना रहेगा इसमें भी, जहां पे चेंज रहेगा मैं आपको बता दूंगी। अब यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका डिवाइड 2 करके यहाँ पे मार्क करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.75 इंच, यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया, 2.5 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है, फिर जो भी हमने 6.75 इंच पे मार्क किया वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, वो सब के लिए फिक्स रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्म होल का फॉर्मूला सेम रहेगा, बैक साइड पे हमारा आंसर कितना आया 6.5 इंच, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे फ्रंट पे भी। अब जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे ना तब लेंथ की मार्किंग आपको स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम इंची टैप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर सेंटर निकालेंगे, सेम तरीके से बैक का जैसे हमने आर्म होल ड्रॉ किया सेम हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 6.75 इंच पे मार किया तो हाफ इंच 1 इंच हमें माइनस करना है, तो 5.75 इंच पे मार्क कर दिया, इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है तो 6.25 इंच पे मार्क कर दिया, यहाँ से हमें 0.75 इंच माइनस करना है क्योंकि हमारी चेस्ट 40 इंच से कम है, अगर 40 से प्लस रहती तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करते। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। अब सेम हमें चेस्ट में यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है, तो फ्रंट में बैक साइड में हमारा जितना भी आएगा उतना ही हमारा फ्रंट का भी आएगा, चेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइड बाय 4 हमें मिलेगा 8.1 इंच, ऑन फोल्ड साइड से हम 8.1 इंच पे मार्क करेंगे 8.1 इंच पे, और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच, ये मार्क कर दिया। अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, फ्रेंच कर्व जैसे भी सेट हो रही है हम इसको सेट करेंगे, फिर फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखो ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे इस तरीके से। अब हमें शोल्डर का सेंटर ले लेना है, ये हमारा शोल्डर है, यहाँ तक इसका सेंटर ले लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इंची टैप को हमें स्ट्रेट रख देना है, इंची टैप को हम यहाँ से स्ट्रेट रख लेंगे। अब शोल्डर टू अपेक्स आपका जितना भी रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच का है, हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब हमारा नेक कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा नेक है, तो यहाँ पे हम 3 इंच का नेक है तो 3 इंच पे ही मार्क करेंगे, फिर लेंथ हमारी जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1 इंच मार्क प्लस करके मार्क कर देना है, तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया, तो यहाँ पे हमें 3 मार्किंग एक साथ मिल जाएगी। सबसे पहले हम नेक की लाइन को यहाँ से
ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा हो गया अपेक्स पॉइंट। सिर्फ आपको जितना भी शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क कर देना है। यहाँ पे ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ओके, अब यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले आप ये देख लो अब अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है। जितना भी रहेगा उसका आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स 6 इंच का है, मैं उसका हाफ करूंगी तो मुझे 3 इंच मिलेगा। अब आपका यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स सबका 6 इंच तो नहीं रहेगा ना, तो जितना भी रहेगा उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर दो। फिर हाफ करके यहाँ पे मार्क किया तो 3 इंच आया, उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर देना है। तो अगर आपका यहाँ पे 4 इंच आया तो 4 इंच में से हाफ इंच माइनस होगा तो 3.5 इंच आएगा, तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क है उससे हाफ इंच यहाँ पे कम मार्क कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हमें ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। साइज के हिसाब से टक्स हमें कितने इंच का लेना है वो आपको यहाँ पे चार्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 28 इंच की। ओके, तो 28 इंच की हमारी चेस्ट है, तो हमें यहाँ पे कितने इंच का टक्स लेना पड़ेगा साइज के हिसाब से। इसमें आपको कितना दिख रहा है, 2.5 इंच। ओके, और यहाँ पे 2.5 इंच का मैं टक्स लूंगी ना, तो यहाँ पे पफ ना मुझे चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होगा तो आपको क्या करना है कि हाफ इंच इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी ना, तो मैं सिर्फ 2 इंच का ही टक्स लगाऊंगी। अगर आपकी हैवी साइज रहेगी ना तो आपको 2.5 इंच का ही टक्स लगाना रहेगा। ये जो टक्स रहेगा ना वो कैसे लगता है पता है, आपका बस्ट पार्ट के हिसाब से ये टक्स लगता है। तो जितना भी बड़ा टक्स हम लगाएंगे यहाँ पे ज्यादा फूला हुआ मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टक्स लगाना पड़ता है। ओके, ये हमने मार्क कर दिया। अब यहां से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें इसको माइनस कर देना है इस तरीके से। वेस्ट हमारी जितनी भी रहेगी उसका हमें डिवाइड 2 करना है। तो 24 इंच की वेस्ट है, डिवाइड 2 करेंगे तो 6 इंच मिलेगा। तो यहां से हम इंची टैप को रख देंगे, 6 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर जो भी हमने माइनस किया था उसको वापस से ठीक से रख देना है। अब 1.5 इंच हमारा सिलाई में सिलाई का एक्स्ट्रा रखना है, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे रख दिया एक्स्ट्रा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम पहले नेक की मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इतना तो सिलाई में जाने वाला है, ये सब अभी नहीं देखोगे ना तो फिर भी चलेगा। अब पहले हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 3.5 इंच, तो हमें 4.5 इंच पे मार्क कर देना है। 4.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब नेक की विड्थ हमें अपने आप मिल जाएगी 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच में एक लाइन कम ऐसे मार्क कर दो। फिर ये दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फ्रंट का नेक हमें राउंड नेक चाहिए ना, तो यहाँ पे हम राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा नेक हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पे वेस्ट में टक्स लगाना है। तो वेस्ट में टक्स कितने इंच का लगाना है वो भी आपको चार्ट में से मिल जाएगा। 28 की चेस्ट है तो हमें आर्म होल में टक्स 1.25 इंच का लगाना है। तो 1.25 इंच कहाँ पे आएगा, चेस्ट लाइन पे 1.25 इंच को रख देना है। फिर ऐसे चेक करना है कि आर्म होल पे इंची टैप कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब उसका हमें हाफ कर देना है, जितना भी आपका टक्स लगने वाला है उतना मार्क करो फिर उसका हाफ कर दो। फिर यहाँ पे मैंने इंची टैप पे चौक से मार्क कर दिया। अब जो भी चौक से मार्क है उसको आप यहाँ पे रखो, जहां से इंची टैप स्टार्ट हो रही है वहां पे इसको मार्क कर देना है। अब ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे मिल गया। अब हाफ इंच नीचे से हम इसको चेक करें, हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन मैं बना रही हूँ, ऐसे चेक करेंगे। तो 1.5 इंच का हमारा नीचे ये टक्स लगने वाला है, तो यहाँ से हम इंच को रखेंगे। फिर सॉरी 1.25, तो 1.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब इसको हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम इंची टैप को रख देंगे। यहाँ से हमारा कितना इंच आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम।
तो सेम हमारा 6 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे आना चाहिए, वैसे हमने इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है, सबको 1/2 इंच ही डाउन जाना है। फिर साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, जो भी हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है ना उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट रखना है। फिर ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे, फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, ये आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब जो भी हमारा ये वाला पार्ट रहेगा ये पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे का शेप देना है, कैसे शेप देंगे तो ये दोनों का पहले आपको सेंटर निकाल लेना है, यहां से लेके यहां तक हमने इसका सेंटर ले लिया। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब इसका भी हमें सेंटर ले लेना है, तो यहां से हम इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे एक मार्क कर दो। इसका भी हमें सेंटर लेना है, तो जो सेंटर लिया इसको इंची टेप को मैं ऐसे फोल्ड ही रखूंगी, फिर यहाँ पे मार्क करूंगी। फिर वेस्ट लाइन से ऊपर आपको 1/2 इंच पे मार्क करना है, फिर यहां से आपको 0.25 इंच पे मार्क कर देना है। यहां से आपको कट टू कट रखना है। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, फिर ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको तो हमें कट टू कट ही रखना है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसको पॉइंट नहीं बनने देना है। अब ये वाली लाइन से हमें 1 इंच इतना अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब जैसे हमने इसको चेक किया सेम तरीके से हम इसको भी चेक करना है, तो यहाँ से वेस्ट लाइन तक इंची टेप को रखेंगे, 5 इंच आ रहा है। ओके, तो ये वाला पार्ट्स भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए, 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका गैप कितना आ रहा है, तो 1/2 इंच में एक लाइन कम, 1/2 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे इसका डबल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे आपका जितना भी गैप रहेगा उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क करना है, नहीं तो आपको सिर्फ 1 इंच मार्क करना रहेगा, तो आप 1 इंच भी मार्क कर सकते हो। ऑन फोल्ड साइड से 1/2 इंच मार्क करना सबके लिए फिक्स है, ये वाला मार्किंग सबको फिक्स रहेगा, बट ये वाला जो मार्किंग है ना वो आपको 1 इंच का ही रखना है ना, तो 1 इंच का ही रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं ज्यादा माइनस कर दूंगी तो वो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा ना वो कम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो इतना सबको क्लियर हो गया। अब इतना ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी मैं बताऊंगी ना उसको आप ध्यान से देखना, अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको फरमा निकालना पड़ेगा, तो बिना फरमे के हमें डायरेक्ट इसी कपड़े पे करना रहेगा, तब आपको क्या करना है। तो अभी आपको इसका जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना इसका आपको पहले सेंटर निकाल लेना है। इसको हम यहाँ तक इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया, एक मार्क किया, फिर इसका भी हमें अपेक्स पॉइंट तक का सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब यहां से हमें 0.25 इंच बाहर मार्क करना है इस साइड, ये मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब ये लाइन को हम यहाँ से इसको कट टू कट मिला देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट है ना इसको हमें यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर आपको जो मैंने अभी ये वाला सब सिखाया ना वो आप नहीं करोगे, डायरेक्ट ये वाला करोगे तब भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे देखो, जो हमारी येलो लाइन है और एक हमारी पिंक लाइन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये राउंड गए तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना यहाँ तक इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से प्रिंसेस कट निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा राउंड शेप नहीं चाहिए ना तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से इसको ऐसे सेट कर सकते हो, जितना राउंड शेप दोगे उतना आपका पफ ज्यादा बनेगा। अब दोनों पिंक जो चॉक्स यहाँ पे दोनों मिल रहा है देखो, यहाँ पे दोनों मिल रहा है ना, तो इसको हम चेक करेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है देखो, ये वाले पॉइंट से लेके ऐसे चेक करना है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है, दोनों चौक यहाँ पे 3.25 इंच पे, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे मार्क कर देंगे।
अब जो भी हम हाफ इंच डाउन गए ना, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, तो इसकी मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, फिर ये वाला आर्म होल को हम फाइनल आर्म होल रखेंगे। जो भी हमने पिंक चौक से मार किया है वो सब कुछ, अभी ये जो रहेगा ना इसमें ये पूरा माइनस हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको फरमा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस पे ही कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको कटिंग करके समझाऊंगी ना, तो और आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, बैक पार्ट को भी हम साइड कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया, बैक पार्ट हमारा साइड हो गया, जो भी हमारा स्लीव्स का कपड़ा है उसको भी हम साइड कर देंगे। अब यहाँ पे इतनी मार्किंग ना उसको हम मिटा देंगे। ओके, सब मार्किंग को मैंने मिटा दिया। अब क्या करेंगे, जो भी मार्किंग मैं अभी यहाँ पे डार्क करूंगी ना, वही मार्किंग आपको भी डार्क कर देनी। यहाँ से ये वाली लाइन को हम यहाँ पे डार्क करेंगे, फिर जो भी हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसको हम यहाँ से डार्क करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, फिर जो भी हमने पिंक चौक से मार किया है ना उसको हम फाइनल रखेंगे। पहले जो हमने बनाया था ना वो भी हमारा सही था, बट उसके लिए हमें फरमा निकालना पड़ेगा। तो अब ये वाले लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे आपको स्केल का ही यूज करना है। यहाँ पे राउंड शेप बनाएंगे, फिर यहाँ पे आपको ज्यादा राउंड नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व की मदद से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। हमने शेप ड्रॉ कर दिया, अब ये पॉइंट्स हमारा यहाँ पे एंड होगा। तो ये यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट मिल गया ना, अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। जो देखो मैं ऐसे ओपन कर रही हूँ, फिर इसको ऐसे कर देंगे। इसको ओपन किया मैंने पूरे कपड़े को, फिर इसको ऐसे कर दिया। अब जो भी हमारा दूसरी साइड का कपड़ा है ना उसको हमें यहाँ से, आपको ये लाइन दिख रही है उस तरीके से हम इसको रखेंगे, यहाँ पे अच्छे से रख देना है इस तरीके से। ये हमने रख दिया। अब जो भी हमने प्रिंसेस कट ड्रॉ किया था ना उसके ऊपर इस तरीके से हम ऐसे स्केल चलाएंगे ना, तो वो पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। आप जैसे भी पेस्ट करो कैसे भी, सिर्फ जो हमने मार्क किया है ना वो सब कुछ इस कपड़े पे दिख के आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही है, अभी जो हमने मार्किंग बनाई है ना उसको हम डार्क कर देंगे। देखो हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना है, सिलाई का जो भी ऐड करना है वो मैं पिंक चौक से मार्क कर ली हूँ। हाफ इंच इतना हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने हाफ इंच इतना सिलाई का ऐड कर दिया, यहाँ से भी हमें हाफ इंच इतना सिलाई का ऐड कर देना है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ सिलाई में जाने वाला है। देखो यहाँ पे हमने इतना सिलाई का ऐड कर दिया। ओके, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, उससे पहले इसको वापस से जैसे था वैसे हम रख देंगे, ऐसे था तो अभी इसको वापस उल्टा रख देंगे। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट मिल जाएगा, फिर बाद में वो कट हो जाएगा तो चलेगा हमें। अब यहाँ पे ना हमें हल्का सा इसको नीचे कर सकते हो, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो इतना आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो नॉर्मल यहाँ पे जो क्रीज मिलती है ना वो भी आपको क्रीज नहीं मिलेगी। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी बाकी रह गई है, तो उसको वहां से चेक करके मार्क कर देंगे। अगर आपको कर्व्स लगाना रहेगा ना तो अपेक्स पॉइंट का पॉइंट कहाँ पे रहेगा वो हमें पता रहना जरूरी है। इसकी हम अभी कटिंग कर देंगे, तो ऐसा करने से ना हमें फरमा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब आप प्रिंसेस कट बनाओगे तब, अगर आपको इसमें पहले मैंने वो वाला ड्रॉ किया फिर ये वाला ड्रॉ किया इसमें कंफ्यूजन रहेगा, तो मैंने पहले प्रिंसेस कट की बहुत सारी वीडियो डाल के रखी है, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। देखो इसको हमने कट कर दिया, अब वापस जैसे था वैसे हम इसको रख देंगे। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। अब यहाँ पे अपेक्स पॉइंट की जो मार्किंग है ना उसको हम डार्क करेंगे, तो देखो यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मल एक कट्स लगा सकते हो ताकि आपको पता रहेगा कि ये अपेक्स पॉइंट रहेगा।
तो अभी देखो यहाँ पे हमारा ये कट हो गया, बट वो चलेगा क्योंकि हमने प्रिंसेस कट तो यहाँ से निकाल के रख ही लिया है। ओके, ये साइड का हो गया, अब इसको मिटा देंगे। अब हमें कौन सी लाइन को डार्क करना है, तो प्रिंसेस कट हो गया, अब ये वाला पार्ट देखना है, तो इसको हम ये वाली लाइन को डार्क करेंगे, यहाँ से हम ये वाली लाइन को डार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ पे डार्क करेंगे ऐसे। और ये सब कुछ तो हमारा फिक्स ही है, ये सबको लेना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई का कहाँ ऐड करना है, तो इस साइड पे, क्योंकि प्रिंसेस कट तो हमारा यहाँ पे जॉइंट होने वाला है। इस तरीके से हम यहाँ पे भी हाफ हाफ इंच जितना जॉइंट एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड कर देंगे। इसकी हम अभी कटिंग कर देंगे। नेक का शेप भी जैसे भी शेप ड्रॉ हुआ है वैसे ही आपको कट कर देना है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच से थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे कट कर दूंगी। तो देखो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट लगने वाला है। ओके, तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट हमने ले लिया है, अब प्रिंसेस कट को हमें ले लेना है। अब जब भी आपका फ्रंट और बैक दोनों पैक रहेगा, तब आपको यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। सबको हाफ इंच डाउन जाना रहेगा। हाफ इंच डाउन जाके मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट टू कट ऐसे रख देना है। अब ये वाला पॉइंट्स जैसे भी क्रॉस जा रहे हैं वैसे हम इसको क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन को भी ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा ये पॉइंट है, ये लाइन है ना, उसको हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.25 इंच का गैप। तो जितना भी यहाँ पे गैप आ रहा है उसमें हमें 0.25 इंच प्लस कर लेना है। तो हमें यहाँ पे कितना आएगा, हाफ इंच आएगा। तो हाफ इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और ये जो पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी हमने ये वाला आर्म होल ड्रॉ किया है ना, उसको हमें यहाँ पे इसके साथ मिला लेना है ऐसे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। अब नेक की विड्थ हमें, तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब नेक की विड्थ हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से इसको चेक करेंगे तो 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम 2.5 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे 2.5 इंच में एक लाइन कम भी आप मार्क कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो आप 0.25 इंच प्लस कर सकते हो। तो इसको हम कट टू कट ही रखेंगे। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, सेंटर पे भी हम मार्क कर देंगे ताकि हमारी लाइन प्रॉपर स्ट्रेट आए। 2.5 इंच में एक लाइन कम, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर पे ऑलरेडी सिलाई का ऐड करके रखा है। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया और फ्रंट पार्ट भी। अब इसी को रख के हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम ना पहले स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें दो स्लीव्स निकालनी है ना, तो फैब्रिक को हमें ऐसे फोल्ड नहीं करना है इसको। ओके, आने जो विड्थ उधर है, इसको हम यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हमें वापस से फोल्ड करना है क्योंकि हमें दो स्लीव्स साथ में निकालनी है ना। इसके लिए यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने रेगुलर स्लीव्स का फर्मा ले लिया है। ये फर्मे की आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख के ये फर्मा निकाल सकते हो। ये फर्मा आपको कुर्ती या ड्रेस कुछ भी बनाना रहेगा उसके लिए आप ये स्लीव्स का फर्मा यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। इसको हम ओपन करेंगे, फिर फ्रंट का आर्म होल भी, सॉरी यहाँ पे स्लीव्स का शेप भी दे देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया। अब स्लीव्स की लेंथ हमारी कितनी इंच की है, तो 22 इंच की हमारी स्लीव्स है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे। आपकी रेडी स्लीव्स जितनी भी रहेगी
उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। 22 इंच की मेरी स्लीव्स है तो 1 इंच प्लस करूंगी, तो 23 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी 23 इंच पे हमने ये मार्क कर दिया। अब मोरी हमारी कितनी इंच की है वो आपको चेक कर लेना है। तो मोरी हमारी है 7.25 इंच की, तो उसका हम हाफ करेंगे। 7.25 इंच का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6 इंच। 3.6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। सिलाई का हम ऐड करना है 1.5 इंच। नीचे का क्लियर हो गया, अब हम ऊपर का देखेंगे। तो ऊपर के लिए हमें जो भी हमारा फ्रंट और बैक है ना उसको ले लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट का लेंगे, इतना हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा उसको हमें नहीं देखना है। तो ये हमारा फ्रंट का है तो इसको हम चेक करेंगे फ्रंट के ऊपर ही रख के। तो यहाँ तक ये हो गया, अब इसको हम साइड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा इसके लिए। अब इतना भी हमारा सिलाई में जाने वाला है तो इसको हम ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ तक कितना हो रहा है तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। सेम तरीके से बैक का भी करना है। बैक का हमारा इतना सिलाई में जाने वाला है तो इसको हम ऐसे रखेंगे। फिर बैक साइड का हमारा आर्म होल ऊपर वाला है ना, तो इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे। इसको हमें खींचना नहीं है, ये जैसे भी है ना वैसे हमें नॉर्मल इसको रखना है। तो यहाँ पे तो बैक साइड और फ्रंट साइड के आर्म होल में इतना डिफरेंस होगा। इसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 1.5 इंच अंदर मार्क करना है। सेंटर जो मार्क किया वहां से 1.5 इंच अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया, यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें मोरी पे जो हमने मार्क किया है ना वहां पे ज्वाइंट कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उसको हम बाद में भी कट कर सकते हैं, इसके लिए मैं इसको अभी कट नहीं करती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये वाले पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है उसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। फर्मे की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। तो जो भी रेगुलर स्लीव्स का फर्मा है ना उसको आपको यूज़ करना है तो इसमें आप वैसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी कुर्ती या ब्लाउज में कहीं पे भी। अभी हम इसको कट कर देंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का जो राउंड है ना उसको हमें कट कर देना है। अब यहाँ पे हम एक कट्स लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक कट्स लगा दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी हमारा फ्रंट का राउंड है ना उसको हम कट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक कट्स लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब इसमें हमें रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी और इसमें हमारी ये रॉन्ग साइड रहेगी। तो सारे ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मेन फैब्रिक को आपको कट टू कट भी कट कर सकते हो और उससे ज़्यादा आपको रखना है तो वैसे भी आप रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है। फ्रंट पार्ट को मैंने ऐसे रखा, फिर ज़्यादा ज़्यादा इसको कट किया है। ओके, इसको मैंने ज़्यादा ज़्यादा कट किया। सेम प्रिंसेस कट को भी मैंने 2 पार्ट कट किया, वो भी ज़्यादा कट किया। सबको मैंने इसी तरीके से ज़्यादा ज़्यादा कट करके रख दिया है। और यहाँ पे आपको कैनवास पेपर को भी रेडी करके रख देना है। इतना आप सब कुछ रेडी करके रख देना। कैसे कैनवास पेपर को रखना है, कैनवास पेपर कट कैसे करना है वो तो आपको पता है। यहाँ से ड्रॉ करके इतना आपको 1.5 इंच ज़्यादा रख देना है। दूसरा आपको अस्तर का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर चिपका देना है। साइड से इसको फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। यहाँ से इसको कट टू कट कट करना है। अब जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड का मार्क कर दिया है। सेम तरीके से हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है। तो दोनों साइड का ये ऐसे पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें कैनवास की पट्टी लगानी है, तो इसको भी आपको कट करके पहले से रख देना है। इस तरीके से आपको सब कुछ रेडी करके रख देना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग, ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने मेन कपड़े को भी इस तरीके से कट करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने सब कुछ ज्यादा ज्यादा कट करने को बोला है क्योंकि हमें इसके अंदर ना और कोई अस्तर नहीं लगाना है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनाना है। तो अगर आपको यहाँ पे कपड़ा ना देखो इतना पतला कपड़ा है तो हम इसको कट टू कट कट करेंगे ना तो यहाँ से धागा निकल जाएगा। इसके लिए जब भी इस तरीके का कपड़ा रहता है तब आपको उसको कट टू कट नहीं कट करना है। ओके, तो अभी इसकी स्टिचिंग हमें किस तरीके से करनी है वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रिंसेस कट को यहाँ पे मैंने दोनों प्रिंसेस कट को समझाया है। अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा होगा
तो मैं दूसरा पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप प्रिंसेस कट को कैसे ड्रॉइंग करना है वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, नहीं समझ आया होगा तो दो तरीके का प्रिंसेस कट है, मैं दोनों की लिंक नीचे डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। ओके,